हेलो फ्रेंड्स, लर्न1 के एक्सेल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कुछ सिक्योरिटी एंड शेयरिंग की। हमारे सामने यहाँ पर एक सिक्योरिटी वर्कशीट ओपन है हमारी लर्न1 सिक्योरिटी एंड शेयरिंग एक्सेल बुक में। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो हम शीट में रखते तो हैं, पर हम चाहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए या कोई उन इन्फॉर्मेशन को देख ना पाए। उसके लिए तो हम सिंपल सेलेक्ट करके उसको हाइड कर सकते हैं, पर क्या हो अगर किसी को उसे अनहाइड करना आता हो? या हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो हम सबको नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि सपोज़ ये सिटीज सबको विजिबल ना हो, या मैं चाहता हूँ कि डिवीज़न सारी लोगों को विजिबल ना हो, या विजिबल भी हो तो वो उसमें चेंजेस ना कर पाए। तो इसे हम कैसे करते हैं? तो अगर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, जैसे ही आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्शन। आप देखेंगे यहाँ पर लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो ये सिलेक्टेड है तो इसे रहने देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमारी पूरी एक्सेल शीट को सेलेक्ट करते हैं। Ctrl+1 को मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ और मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। लॉक्ड का मतलब होता क्या है? लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूलाज हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। सो अभी हमने सबको अनलॉक कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डिवीज़न कोई चेंज ना कर सके और मेरा डिपार्टमेंट कोई यहाँ पर चेंज ना कर सके। सो हमारी वर्कशीट में दो चीज़ें ऐसी हैं जो कोई चेंज ना कर सके। तो मैं क्या करता हूँ, सी को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के बी को सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+1 प्रेस करके प्रोटेक्शन में जाता हूँ और इन दोनों को लॉक कर देता हूँ। अब हमारा बी और सी कॉलम ही यहाँ पर लॉक्ड है। अब हम अपने रिव्यू टैब में जाते हैं। रिव्यू टैब में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कशीट। फ़िलहाल हम सिर्फ शीट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसे देखते हैं। तो मैं जैसे ही प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो ये बताता है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल। तो मुझे किस तरह की प्रोटेक्शन यहाँ पर देना है कि वो अनलॉक ना कर सके या सॉर्ट ना कर सके, जिस भी चीज़ की आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देना है उन्हें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट रख सकते हो। मैं यहाँ पर सेलेक्ट अनलॉक सेल्स रखता हूँ। अब मुझे क्या पासवर्ड देना है, तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली एक पासवर्ड दे देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो वो मुझे वापस से प्रॉम्प्ट करता है कि आपने जो भी पासवर्ड डाला है वो वापस से डालिए। जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे रिव्यू टैब में कुछ चीज़ें यहाँ पर ग्रे हो गई, होम टैब में भी काफ़ी सारी चीज़ें ग्रे हो गई। अब मैं बी सेल के ऊपर जाके क्लिक भी करूँगा तब भी वो क्लिक नहीं हो सकता। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा, ए होगा। टैप करके देखें तो टैप भी नहीं होगा। सो किसी भी तरह से आप उन सेल्स को ना तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ना उन रोज, ना उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने अपनी पूरी शीट के दो कॉलम्स को लॉक कर दिया। इसी तरह से मुझे यहाँ पर जी और आई के बीच में कॉलम हिडन दिख तो रहा है। अब क्या मैं उसे अनहाइड कर सकता हूँ? तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसे अनहाइड भी नहीं कर सकता। सो इस तरह से आप अगर अपनी शीट में या अपने वर्कशीट में कोई भी सेल या कोई भी कॉलम को लॉक करना चाहते हैं तो इस तरह से लॉक कर सकते हैं। अब मुझे ये सेटिंग्स वापस से हटा देना है तो मुझे इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। तो मैं रिव्यू टैब में जाता हूँ। मैं जैसे ही अनप्रोटेक्ट शीट करता हूँ तो यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड पूछता है, तो हमें वही पासवर्ड डालना है जो हमने पहले दिया था। जैसे ही मैं इसे अनप्रोटेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं राइट क्लिक करूँगा तो मैं इसे अनहाइड कर सकता हूँ। अब मेरी सैलरी यहाँ पर विजिबल है, यानी कि पहले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे हाइड करके रखना है या मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कॉलम में कुछ भी चेंजेस ना कर पाऊँ तो उसको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट के ज़रिए कर सकते हैं।